Good morning, my dear children. How are you all? Hope you all are fine. So children, today in EBS we are going to learn about water pollution. ठीक है, वाटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये सब हम कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन मीन्स पहले जो पानी गंदा हो जाता है, कुछ चीज हम ऐसा डाल देते हैं पानी में, वाटर बहुत हार्मफुल चीज डाल देते हैं, उससे क्या हो जाता है, वाटर गंदा, तो हम उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, अब कैसे गंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिवर से हमें पानी मिलता है ना, सोर्स ऑफ वाटर है रिवर, राइट. तो रिवर में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जो घर का गार्बेज है, गंदा मटेरियल है, कुछ भी गंदी चीज, वो सब जाके रिवर में डाल देते हैं. डालने के बाद पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है ना. फिर वो गंदा पानी आप पी सकते हो, नहीं पी सकते हो, है ना. क्लीन वाटर पीना चाहिए. और पता है कुछ कुछ लोग तो अपने पेट को लेके जाके वह नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं. ठीक है, इस तरह से भी हमारा पानी क्या हो जाता है, रिवर का पानी क्या हो जाता है, गंदा. तो जब पानी गंदा हो जाता है तो हमें क्लीन वाटर नहीं मिलता है, इस तरह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, गंदा हो जाता है पानी, राइट. फिर उसके बाद और एक और एग्जांपल लीजिए, आपने कभी समुद्र के किनारे कभी आप घूमने गए हो, बोट में गए हो आप कभी, है ना, शिप में घूमने गए हो, नहीं. अगर जो बच्चे गए हैं, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पता है, अपना जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है, चिप्स होती हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको वो वहाँ पे थ्रो कर देते हैं, और वाटर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है ना. तो हमें ये सब नहीं करना है, राइट बच्चों. फैक्ट्री देखिए, आपने बिग फैक्ट्री, उस फैक्ट्री के जो गंदा पानी होता है या ऑयल होती है, जो उनके वेस्ट मटेरियल होती है, उनका पानी भी पूरा रिवर में चला जाता है. इस तरह से पानी पूरा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है. तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्लीन वाटर. बेटा एक और चीज, वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है, सिर्फ हमें इफेक्ट नहीं करता है, प्लांट्स एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है. प्लांट्स और एनिमल जो वाटर में रहते हैं, और एनिमल्स रहते हैं ना, फिश ये सब रहते हैं ना, वो सारे उनको इफेक्ट करता है. तो बेटा सिर्फ हमें नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है. तो ये सारी जो एक्टिविटी जो मैम ने बताया, सब कुछ वेस्ट मटेरियल इधर उधर पानी में नहीं फेंकना है, है ना, उसका एक प्रॉपर जगह होता है, वहाँ पे फेंकना है ना. यस, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी टॉफी खा के डस्टबिन में फेंकते हो ना, है ना, अब वो डस्टबिन का गार्बेज उसको पानी में नहीं फेंकना है, वाटर या रिवर में नहीं फेंकना है. अगर नहीं फेंकोगे तो क्या होगा, क्लीन वाटर मिलेगा. अगर क्लीन वाटर पियोगे तो हम क्या रहेंगे, हेल्दी. चिल्ड्रन ये देखिए, एक कंटेनर है जिसमें अभी क्या है, क्लीन वाटर है, राइट. इसमें क्या है, अभी क्लीन वाटर है. लेकिन अगर हमने इसमें नहाया, है ना, और जैसे रिवर में लोग जाके नहाते हैं, आप जब बीच के किनारे जाते हो ना, वहां पे जाके कोल्ड ड्रिंक के बोतल फेंक देते हो, रैपर फेंक देते हो, तो वो पानी में मिक्स होके क्या हो जाता है, ये देखो, जैसे क्लीन वाटर था, अब ये क्या हो जाएगा, मिक्स होने के बाद हमारा ये जो वाटर है गंदा हो जाएगा, है ना. सो चिल्ड्रन, पहले क्लीन वाटर था, अब हमने देखो उसमें कितने सारे गार्बेज डालोगे तो पानी कैसा हो जाएगा, ब्लैक, डर्टी डर्टी, गंदा. अब ये पानी पी सकते हो आप, नहीं ना. यस, तो ये पानी पियोगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. जिस तरह से हम बीमार हो जाएंगे बच्चों, उसी तरह से जो एनिमल्स है वो भी बीमार हो जाएंगे, और जो प्लांट्स है वो सूख जाएंगे, है ना. तो हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है, ये एनिमल्स और प्लांट्स से ही तो आता है. अगर उनको इफेक्ट होगा तो हमें
फूड नहीं मिलेगा, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें अपने गार्बेज, अपनी गंदगी जो भी है उसे वाटर में नहीं फेंकना है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस।